क्या आप प्रेशर गेजेस की माउंटिंग में उसकी लोकेशन की वजह से या ओरिएंटेशन की वजह से माउंटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। वेलकम टू YouTube चैनल ऑफ LK इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नॉर्थ इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल चुका हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस YouTube पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम गेजेस को इंस्टॉल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें। गेजेस को इंस्टॉल करते हुए हमें बेस्ट प्लेस सिलेक्ट करना चाहिए। बेस्ट प्लेस फॉर इंस्टॉलेशन का मतलब है कि वो प्लेस जहाँ पर हम गेज को इंस्टॉल करके एक्यूरेट और रिप्रेजेंटेटिव रीडिंग्स ले सकें। आइए हम इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर गेजेस के कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि जो हमारा गेज है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना प्रोसेस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज हम उसको इंस्टॉल करें, ताकि हमारा जो गेज है वो ट्रू प्रेशर कंडीशंस की रीडिंग्स को शो करे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें जो हमारा गेज है उसकी जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्सेसिबल भी हो और सेफ लोकेशन भी हो। ऐसी पोजीशन जहाँ पर हम इजीली पहुँच सकें और जो हमारा मेंटेनेंस या कैलिब्रेशन हमें करनी है वो हम इजीली कर सकें। इसकी वजह से हम उसको रेगुलर चेक कर सकते हैं और जो भी एडजस्टमेंट नेसेसरी हैं वो हम कर सकते हैं। साथ ही हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा पर्सन है, जो चाहे वो ऑपरेटर है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो इंजीनियर है, जब वो गेज को कैलिब्रेट या उसकी रीडिंग लेने के लिए या किसी भी और वजह से गेज को अप्रोच करता है तो उसको सेफ्टी रहे उस गेज तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा गेज जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है। अभी हमें जो गेज लगाना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगाना है या वर्टिकल लाइन पे लगाना है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगाना है तो हमारा गेज जो है वो बॉटम एंट्री वाला रहना चाहिए। अगर हमें वर्टिकल लाइन्स पे लगाना है तो हमारा गेज जो है वो हमें ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो बैक एंट्री के साथ में हो। ओरिएंटेशन के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है माउंटिंग पोजीशन। जब हम किसी गेज को माउंट करते हैं तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हम गेज को माउंट करने के लिए बेस्ट माउंटिंग ऑप्शन है उसको हम यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सेसिबल लोकेशन एंड ओरिएंटेशन। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस जगह पर हम गेज को लगा रहे हैं वहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर है उसके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो जाकर गेज की रीडिंग ले सके। अगर किसी पोजीशन पर हमारे जो ऑपरेटर है या हमारा जो टेक्नीशियन है उसके लिए गेज की पोजीशन तक पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हमें लोकल की जगह रिमोट माउंटिंग करके एक्सेसिबल लिमिट तक उसको गेज को ले आना चाहिए। गेजेस को हमें बिल्कुल डेड एंड्स पे लगाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेड एंड्स पे जाके जो फ्लूड की मूवमेंट है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और इन एरियाज में यदि हम गेज को लगा देते हैं तो हो सकता है कि हमें इनएक्यूरेट रीडिंग्स मिले। हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहाँ पर हमारा गेज लग रहा है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो गेज है वो अपस्ट्रीम कंडीशन में लगा रहे हैं या डाउनस्ट्रीम कंडीशन में लगा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो हम एक गेज पंप डिस्चार्ज पे लगा रहे हैं,
अगर हम पंप डिस्चार्ज पर लगा रहे हैं तो हमें पंप डिस्चार्ज के जो प्रेशर है, जो उसका फ्लक्चुएटिंग प्रेशर है, उसके हिसाब से गेज के साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स, जिन्हें हम कहें कि हमें स्नबर लगा के देना पड़ेगा, वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारा सक्शन में आ रहा है तो हमें उसको वैक्यूम प्रोटेक्शन देके गेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर कंसिडरेशंस। हमें गेज कहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर एम्बिएंट कंडीशंस क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशन है, उसको देख के गेज के जो इंटरनल्स हैं या उसका केस की जो वेदर प्रूफ प्रोटेक्शन है वो उस हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो प्रेशर गेज की जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करते हैं। हमें जिस जगह पर गेज लग रखा है वहाँ का जो प्रोसेस कंडीशन है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको कम करने के लिए जो भी एसेसरी हमें यूज़ करनी है उसके बारे में भी सोचना होगा, उसका भी ध्यान रखना होगा। हमें जब गेज लगाते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एरिया है वो वाइब्रेटिंग एरिया है, तो हमें कुछ नज़दीक ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पर वाइब्रेशन ना हो, ताकि हम गेज उधर माउंट करें रिमोटली ले जाके, ताकि हमारे गेज की रीडिंग अफेक्टेड ना हो। नॉर्मली देखा गया है कि जहाँ पर वाइब्रेशन होता है वहाँ पर नीडल वाइब्रेट करती है और हम जो गेज की एक्चुअल रीडिंग है वो हम नोट नहीं कर पाते, तो वो ऑपरेटर को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली जो गेज है वो कहाँ पर क्या रीडिंग दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें पहली चीज़ तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा एरिया सेट कर लें जहाँ पर वाइब्रेशन ना हो। तो गेज हमारा हम उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर वाइब्रेशन ना हो, और इम्पल्स ट्यूबिंग से ले जाके प्रोसेस टैपिंग पे हम उस गेज को कनेक्ट कर देंगे। अगर रिमोटली गेज को माउंट करना पॉसिबल नहीं है तो हम उस केस में फिर दूसरे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देखेंगे, जैसे लिक्विड फिलिंग केस में हम करके देंगे। लेकिन पहली हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम गेज को रिमोटली माउंट करके वाइब्रेशन का इफेक्ट को कम कर सकें। दूसरा है कि जो हमारा गेज लग रखा है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर हम उसको कैलिब्रेशन या कैलिब्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए जा सकें, क्योंकि कैलिब्रेशन जो है हमारा वो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। प्रोसेस कंडीशंस के हिसाब से हर कंपनी एक पीरियड रख लेती है कि मेरे को 6 महीने बाद कैलिब्रेट करना है, 3 महीने बाद करना है या 1 साल बाद करना है, तो वो इंटरनली उस गेज को कैलिब्रेट करते हैं। तो गेज अगर ऐसी पोजीशन पे होगा कि जहाँ पर उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट होगी, तो मुश्किल होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी कैलिब्रेशन उस गेज के लिए। मुझे उम्मीद है मैंने आपको इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर गेज के बारे में जो बताया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है और ये किसी आपके काम आ सकता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच पाए, और वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जो पर्सन है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें और जो गेज है उसकी कैलिब्रेशन का भी ध्यान रखें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टेक्टस का फॉर्म फिल करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।